हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये है सीलिंग फ़ैन, और सीलिंग फ़ैन में आज ये बता रहा हूँ कि इसमें कनेक्शन कैसे दिया जाता है और इसमें जो लीड वायर है उसको कनेक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये राउंड राउंड मैं कर रहा हूँ इसका जो लीड वायर और पंखा का जो कॉपर है उसका कनेक्शन। तो इसी प्रकार से राउंड राउंड हमको लीड वायर को कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि कनेक्शन हो जाने के बाद इसमें सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करना चाहिए, मतलब इसको सोल्डर कर देना चाहिए। सोल्डर इसलिए करना चाहिए क्योंकि सोल्डर करने से पंखा का जो लीड वायर जो कनेक्शन है, जिससे हम जहाँ पे जोड़ते हैं कॉपर तार और ये जो लीड वायर तार को आप देख सकते हो, तो इसका जो कनेक्शन है उसमें मजबूती आ जाता है, वो जल्दी स्पार्क नहीं करता और वहाँ पे जलने का जो संभावना रहता है वो नहीं होता है। तो ये देख सकते हो मैं सोल्डर का जो सोल्डरिंग आयरन है वो ले रहा हूँ मैं, और ये है सोल्डर करने का हीटर। अब इसमें मैं सोल्डर करूँगा तो इसमें चार कनेक्शन तार, मतलब कहने का मतलब चार तार निकाला हूँ, और रनिंग और स्टार्टिंग में मैंने काला जोड़ा है, आप देख सकते हो मैं सोल्डर कर भी लिया। और ये जो है लाल है जो ये रनिंग है, और स्टार्टिंग जो है ब्लैक है। और आप देख रहे हैं कि मैं जो ब्लैक वाला तार है उसको मैं सोल्डर कर चुका हूँ, और जो रेड वाला है वो बच गया है। अभी हमारे पास जो है सोल्डर आयरन ख़त्म हो चुका है, तो इसको हम बाद में करेंगे। आज के वीडियो यही तक, तब तक के लिए जय हिंद।